बहुत बढ़िया बिरहा सुने को मिलल। वाह, आप कैसे बिरहा सुना दी बीरस के? नहीं, अब आप लोग के इच्छा से चले पड़ी ना, क्योंकि एक बिरहा आप लोग सुना जाए बीरस के भी हो जाए, घटना भी हो जाए, क्लाइंट भी हो जाए। और हाँ, और मान लीजिए जब होली होगा तो कितना होली होगा, एक बिरहा होने के बाद होली, और जब होली होकर लगी बिरहा उरा कुछ जमी उमी नहीं, तब खाली सरारा सरारा। हाँ, तो ये लिए एक तो बिरहा आप लोग सुना और उसके बाद आप लोग होली सुनल जाए, मूड मियाज बना के बहुत बढ़िया बिरहा सुने को मिलल। हाँ, वीर रस के एक बीरस के बिरहा आप लोग सुने, आसान पूर्ण विश्वास करम कि आप लोग के बिरहा पसंद आई, लेकिन आप लोग उठा उठी मत करी हा। जब भैया के घर के ध्यान हमत हुई, बिरहा गौले से पहले उठ के चल जाई, और नहीं तो बिरहा सुने आई हुई आराम से सुनी, और सुबेरे तकले मर्दे सन सुन के, और सुबेरे मर्दे सन घरे जाई। तब एक तो बिरहा आप लोग सुना, ज्यादा समय नहीं, 15 से 20 मिनट, चलो बजा के आगे पट्टी। इतने करीब आके बता दे।
121 पानी एक पानी चल जाये 120 पानी बची जाये लेकिन पानीदार मर्दे के क्या पानी रहेला जैसे गर्दन कटा दी अपने पानी के जाए नहीं दी अपने मान सम्मान को जाने नहीं देगा ए बाबू लेकिन देखा जोड़ी सर के लाइन अगर मास्टर बजा दिया जा राजकुमार यादव होली मिलन बिरहा समिति के तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद सभी के चरणों में कोट कोट नमन हर भैया के लोग के नमस्ते सलाम बा बहुत पुरान गीत हर मुनिया मास्टर बजाओ फोन लोग कहेगा गीत कौन है
लंबा रस बा। पहले के चाची माई लोग रहली हो, दही जमावत रहली, दहिया कुबरा मोड़ के लाल के सारी जमत रहल, ओ सरिया के निकाल के मथनी से मोती के घी निकालत रहली। आजकल के नौकी दुल्हनिया बाड़ी दूधवा के फाड़ के सीधे पनीर निकाल लेती है। दोनों में अंतर हो गई बा। तो देखा ही पुरनकी की धजन हारमोनिया मास्टर संकेत की कहना है का? अब एक दूसरे पर यही के लोग देख के जियता, एक लोग पे रहत तो लोग जी ना पावत। ई माटी का शरीर एक दिन माटी में मिली, लेकिन है दोनों बचवा बने यही के देख के अपन जिंदगी बितावा। वहीदा का केला से बाबू अब दिल्ली से का कैला सोही, दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा है, एक अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा है। ओहिदा सोचलस दोनों बचवन के लेके और बसवा पे चढ़ के अपने घरे चल जाई। ओकर घर कहाँ रहल? अंबाला में, पंजाब में। अंबाला में चल जाई। आ जैसे बाबू अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा पे पहुंचल बा, बेटौआ के बसवा में चढ़ावत दिया। अब बेटौआ एक सीढ़ी पार कैलस तो बिटिया के चढ़ावत दिबा,
तब तक बदमाश से आ गईलन। अब बदमाश से अलन वो हिदा के ढकेल के अब बिटिया के मुहवा दाबी के और सहनाज के पकड़ के गड़िया में बैठा के लेके फरार हो गई। जैसे फरार भइल हे बाबू ओहिदा चिल्लाए लगल रोए लगल कल्पे लगल हो लेकिन केहू सुनत ना बाबू केहू सुनत ना बा। ओहिदा रो हो के पिटिया के खोजलस ना पोलस सलीम के लेके अपने घरे आ गई। आ जब घरे आई तब पापी कमीना जवन लड़की सहनाज के लेके फरार भइल हलन तो देखा बिटिया के लेके कहां जात हमन उसी दिल्ली शहर में एक मुन्नी बाई का कोठा था। एक मुन्नी बाई का कोठा था। पापी उसी मुन्नी बाई के दरवाजे पे पहुंचते हैं दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाते हैं आ खड़ा होके मुन्नी बाई के गुहार लगावत हमन लेकिन बिरहा में देखा गीत लगल मास्टर पास रख ले। ए बाबू लोग कहेला दुनिया में सब लोग बुरा ना होला दुनिया में सब लोग बुरा ना होला बुरा में कुछ अच्छाई ऐसा होला कि बहुत बढ़िया बढ़िया लोग के किनारे टारे देला। बात के समझिया मुन्नी बाई के नजर ओ जन बाटे मुन्नी बाई के नजर वो लड़की पे पड़ गई और जब सहनाज बिटिया पे पड़ल तब मुन्नी के नैन और सहनाज के नैन हमने सामने पड़ल तब मुन्नी का खिया में आंच ढबरा गई। मुन्नी सोचलस हो ऐसे लगा था हमार कोनो लगाव बा
पहले पूरे जन्म के जनबा ऐसे हमसे रिश्ता बांटे एके जरूर हम खरीदब। मुन्नी बाई पैसा दे के खरीद के ओसवन के खदेर देती बा और खदेरले के बाद मुन्नी ओ गेटवे पे खड़ा कइले बा लड़की के सोचला से मुन्नी भाई एके अपने घर में ले चलब अंदर ले चलब कोठे के अंदर जब ले जाई तो लोग कही कि अरे कितना है तब मुनिया भाई की ना चेली नहीं हो मुनिया भाई के साथ ही रहे ले जिए ले खाले। मुन्नी भाई सोचला से के घरवा में ना रख के कोठवा पे ना रख के एक बढ़िया स्कूल में दाखिला करवा दे एडमिशन करवा दे ती पढ़ लिख के कोनो अधिकारी हो जाए। बाबूजी मुन्नी भाई लगा करके बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा देती है और सनात पढ़ने लिखने लगती है पढ़ लिख करके धीरे धीरे बाबूजी 19 बरस का हो जाती है। जब 19 बरस की हो गई तो ये बाबू देखा धीरे धीरे जब सहनाज होशियार हो गई अपने मनवा में सोचलस कि ये बाबू मुनिया बाई हमके पढ़ोली लिखोले बा मुनिया बाई हमके संस्कार दन्ना दिलस माई बाबू के छाया तो छूटी गई आ पढ़ लिख के कहियो ना कहियो मुन्नी बाई के कोठवा पर तो हमके जहई के बा सोचलस काहे ना मुन्नी बाई के कोठवा पे गईला से पहले ई देशवा छोड़ के कहीं चल जाए ई नगरिया छोड़ के कहीं चल जाए पढ़ी लिख के ए बाबू नर्स नर्स के डिग्री पाके और का कैलास ऊ हॉस्टल छोड़ गया बस हॉस्टल छोड़ के कहां चल गई कश्मीर जिला में। कश्मीर जिला में एक डोडा जिला है उसी डोडा जिला में एक अस्पताल है उसी अस्पताल में जाकर के सहनाज नर्स बन जाती है। और जब नर्स बन गई अपन नौकरी करे लगल जीवन के बिताए लगल ले बाबू तो देखा यही से कहानी मोड़ ले लेवा वहीदा काकिला अपन बेटवा सलीम के लेके घरे आई। अब घरे आई बा तो रोत या मनवा में सोच दिया कि पति के प्यार त पति के साथ त हमरे ऊपर से छूटी गई बिटिया जौन बिटिया रानी रलो हुई को साथ छूट गई आई जौन बेटौआ बा ये पुत बा ये भतार बा यह सब कुछ बा जैसे हमार पति देश के नौजवान रलो हो देश के रक्षक रलो हो त काहे नई बेटौआ के बढ़िया से बढ़िया स्कूल में लिखवा के एडमिशन करवा दी बढ़िया से पढ़ लिख ले ही त इहो देश के रक्षक ना होई त कम से कम कोनो अधिकारी त जरूर बन जाए समाज आई राजा हो जाला तो देखा बाबू जब लड़का सलीम पढ़ लिख के एसपी बन के और वर्दिया चढ़ा के अपने माई के समनवा आइल बा तो बिरहा में एकलन गीत लगल मास्टर बजा के यह गीत बा वो झुमका चूमेला वो झुमका चूमेला ओ झुमका चूमेला झुमका चूमेला गोरे गोरे भलवा नकुली अपहार करेला ओ पुरी संसार ओ पुरी संसार ओ
से आंसू आवता सलीम बेटा की आंखी से आंसू आवता मैं तारी देख ला बेटा अब तक खुशी के दिन है तू एसपी बन गई ला पढ़ लिख के तक एसपी बना दी तो कहे तो रखिया में आंसू आ कलर के माई हई वर्दिया कोने काम के बारे अरे माई हई वर्दिया कोने काम के बा आज हमारा अबू जान रहते हैं हई वर्दिया देखते हैं धक्के पर छाती से लगा लेते हैं हमार बहनिया रहा हई वर्दिया देखत रे माई हमके अपने सीने से लगा ले हई खुशी तो मिलल माई लेकिन उक दिल खुश ना बा जोन खुशी जोन रौनक होके के चाही ए बाबू माई और बेटवा दोनों में बातचीत करत हमन तब तक ज्वाइनिंग के लेटर आ गई आज जब लेटर आइल बा ना हो तो देखा का किलन सलीम बेटवा वो ज्वाइनिंग के लेटर लेके कहा पहुंच गेलन वही ओकर नौकरी लग गई जहां कश्मीर के जिला में जोन डोडा जिला बा वही जिला में ओकर नौकरी लग गई आज जब नौकरिया लगल बा ए बाबू तो देखा भइल कवा विधा में गीत लगल मास्टर ए देखे बड़े भैया कोषाध्यक्ष आप नंदलाल यादव जी के कर कमलों द्वारा 100 रुपए का आशीर्वाद चढ़ो में कोट कोट नमन सब भैया लोग के नमस्ते सलाम आप बड़े भैया जवाहरलाल गोड़ मर्रो के धरती से 100 रुपए का आशीर्वाद भैया के चढ़ो में कोट कोट नमन बताओ रेल टेरिक लाइन में कहना है का दास्ता के संग अरे उग्रवादी दास्ता के संग कश्मीर सिपाही जा रहा है उसी डोडा जिला के अंदर एक दरगाह था और उस दरगाह को पूरे आतंकवादी क्या किए उसी दरगाह के अंदर घुस गए और घुसने के बाद अंदर से किल्ली लगा दिए फाटक बंद कर दिए और जैसे ये बाबू फाटक बंद कैलन पूरे आतंकवादी गोली और बम लेकर के और उस डोडा जिला को उड़ाने वाले थे नाश करने वाले थे तब तक बात के समझिए बिरहा के निचोड़ 10 मिनट और केवल आप ध्यान लगावल जाए गीत लगा मास्टर बिरहा में कहना है WHAT
दूंगा, किसी को अता पता नहीं चलेगा। लेकिन गौर करिया, देखा लोग कहेला जहाँ ज्यादा खुशी रहेला ओहू जोन बाटे नाश के घड़िया होला, और जहाँ दुखित होला ओहू बर्बाद के घड़िया होला। गौर करिएगा, ए पापी कमीना क्या किया अपने कैश में आकर के तैयारी बनाने लगे कि एक साथ हम लोग निकलेंगे और जितने सिपाही अधिकारी कर्मचारी हैं और जितने आम जनता है सबको मारना शुरू कर देंगे। बम और गोली से मार मार के उड़ा दूंगा, लेकिन किसी को छोड़ूंगा नहीं। आज जैसे तैयारी बनोला ए बाबू, गौर करिया वही गिरोह हवा में, उसी गिरोह में भैया, उसी गिरोह में पापी कमीना मोहम्मद उस्मान को कैदी बना कर लेकर के आया था। उसी गिरोह में पापी कमीना मोहम्मद उस्मान को कैदी बना करके और उसी दरगाह के अंदर लेकर आया था। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है भैया, जैसे पापी कमीना तैयारी बनावा था तो मोहम्मद उस्मान अपने मनमा में सोचना ये पापी गीदड़ हमारे देश में आके, हमारे हिंदुस्तान में आके और हमारे देश के उड़ावल चाहत हवन, ये जिलवा उड़ावल चाहत हवन। मोहम्मद उस्मान सोचलस कि जब तक बम और गोली की तैयारी बनावत हवन ओसे भुलकी कटा के जल्दी फटकवा खोल के हम भाग के आ चल जाइए एसपी साहब से जना दी कि हम हिंदुस्तान के रहे वाला है। लेकिन देखा भैया फिर हमें की दुर्गा मास्टर छोड़िए कमीना आतंकवादी को जो है हिंदुस्तान के जमीन में गाड़ दिया। और करिएगा बाबूजी, मारने के बाद मोहम्मद उस्मान धाड़ी में छुपा हुआ है। सलीम एसपी साहब सुचलन कि कहीं देख लिया उरो कोनो पापी कमीना अगलिया बगलिया छुपल त ना बटे, कोनो पापी कमीना उग्रवादी झड़िया में छुपल त ना हो। जैसे एसपी साहब रिवाल्वर लेकर के अगल बगल खोजत हमने बाबू, तब तक मोहम्मद उस्मान के नजरिया एसपी पे पड़ गई। जैसे एसपी पे चढ़ल
नजर पड़ल एसपी साहब सोचलन कि हमारे हिंदुस्तान का नौजवान है, हमारे हिंदुस्तान का ये जो है, हमारे हिंदुस्तान का ये अधिकारी है, क्यों ना हम जाएं और अधिकारी का पैर पकड़ करके मैं कह दूं कि मैं भी हिंदुस्तान का रहने वाला बहादुर हूँ। ए बाबू, जैसे केहुनिया पे घुसकत जैसे आगवा बढ़लन और सीएसपी साहब आवत हो यहाँ से उस्मान जात हन, आ जैसे उस्मान देखना एसपी साहब एक डेग के दूरी पे बना, तैसे झड़िया में से छलाक मार के बाबू सूत गईलन, आ सूत के जाके एसपी साहब के पैरवा दोनों छाल, आ जैसे छलन चोद रिवाल्वर निकाल करके एसपी साहब उस्मान के कनपटी पर लगा देता है, आ जैसे कनपटिया पर रिवाल्वर लगल न हो तो देखा भाई का पापड़ में बतावल गए। ये देखे गिरजा शंकर यादव उप कमेटी अध्यक्ष आपके तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद हम कलाकारों के लिए, चरणों में कोट कोट नमन, सब भैया लोग के नमस्ते सलाम। देखा भाई का पापड़ में बताऊंगी मैं जैसे कनपटी पर रिवाल्वर एसपी साहब लगोलन अखिया में आंसू लेके मोहम्मद उस्मान कहत हूं का कहलन हम हो है हिंद के अरे जवान भाई एसपी साहब हो छलने हमन कल एसपी साहब हम कोनो कैदी ना हैं हो, हम कोनो आतंकवादी ना हैं, हम हिंदुस्तान के रहे वाला हैं। अखिया में आंसू लेकर के बाबूजी आंख से आंसू गिरत बा मोहम्मद उस्मान के एसपी साहब के पैर के छलने हमन रो रो के एसपी साहब से कहत हमन का कहलन कमीना हमें कैदी बना के अपने गिरोह में शामिल करके उग्रवादी बना के अपने साथे लेके घूमत रहला। एसपी साहब हम हिंदुस्तान के रहे वाला ही, हमार घर अंबाला शहर में बा। एसपी साहब विश्वास नहीं कर रहे हैं, रिवाल्वर कनपटी पे लगाए हुए हैं, कहा उग्रवादी पूरा तुम्हारा
कलेश भी सहो विश्वास नबत एक बात और सुन ली ओकरे बाद है भी बलवरवा के गोलिया हमरे हमरे सर में ना हमरे छतिया में मार के सब उतार ले अपन हवस पूरा कहले कहत हमन का कहल मास्टर बताओ गई हंसते हंसते हमारे सिनेमा में चला दे जब बतिया एसपी साहब सुनलन तो मने मने सोचत हमन कि हमारे अब्बू जान के नाम मोहम्मद उस्मान हमारे मम्मी के जान मुहिदा रहमान हमारे घर अम्बाला क्षेत्र में बा लेकिन बाबूजी विश्वास ना करत हमन कनपटिया परिवार पर लगा करके अपने साथी को बुला करके मोहम्मद उस्मान को टंगवा करके गाड़ी में बैठा लेते हैं भर्ती कर देते हैं आज जैसे डोडा जिला का अस्पताल में भर्ती कैलन ना हो तो देखा भाई का आधा में बताओ गए भैया देखे चौधरी रामनाथ यादव राजकुमार यादव होली मिलन बिरहा समिति के तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद भैया के चरणों में कोट कोट नमन Bye.
साहब उसी डोडा जिला का अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, दवा दुआ होने लगती है और समय पा करके एसपी साहब डॉक्टर से टेलीफोन करवा करके अपने माता जी को बुलाते हैं और उनकी माता जी आती हैं और आ करके तुरंत ये बाबू बेड पर अपने सैया के देख के जाके ऊपर भरा के गिर के रोए लगली। कहली सैया इतना दिन हमें विसार के कहा रहला, ए बाबू मोहम्मद उस्मान उस बेड पर उठ के बैठ जाते हैं अपने पत्नी के गले से लगा के रो थमन वो ईदा कलश के सैया यह तुहार लाल हमन जिके पढ़ा लिखा के एसपी बनोनी आपके पेपर में छपल बात पढ़ली तो हम जल्दी कि हमार दुनिया उजर गई। आंख में आंसू लेकर कोहिदा मोहम्मद उस्मान और सलीम बेटवा रुवत हो अखिया में आंसू लेकर के जब मोहम्मद उस्मान देखला कि हमार बेटवा सलीम एसपी बन गई हमार पत्नी वहीदा मेरे सामने खड़ी बा लेकिन हमार बिटिया रानी नालो वो कहा हो गई कहा पर आ गई। आंख में आंसू लेकर के मोहम्मद उस्मान कहलन वहीदा बेटवा देश की बना दिलू देश के रक्षक बना दिलू लेकिन हमरे बिटिया अनी के कहा कहलू हमर बिटिया अनी कहा बड़ी हमके दिखाई ना दे थई। आंख में आंसू लेकर के वहीदा कहलन सैया जब तोर पेपर में खबर पौनी दिल्ली में तो बेटवा और बिटिया के लेके रोवत रहली। कुछ समय बीतल और सोचली बस पे चढ़ के अपने घरे चल जाई। जब अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा पे गईली सलीम बेटवा के आगे बस में चढ़ावतनी और बिटिया के बेटवा के पीछे चढ़ावतनी तब तक पापी बदमाश इलन बिटिया के लेके फरार हो गईलन। आज तक हमार बिटिया रानी ना बटे कि कहाँ चल गई। जब इतना बार दी हमें खातिर आप रोवत हवा अखिया में आंसू लेकर के सहनाज बिटिया अपने अब्बू जान से कहत बा कहले बा मास्टर सबसे मिलन हो गई। लोग कहला कि बुरा के साथ रहबत बुरा संगत होई बुरा बुद्धि आई बुरा बात सोचे के समझे के मिली लेकिन गलत है बाबू। बढ़िया बढ़िया लड़का बढ़िया बढ़िया सोसाइटी में रह के एकदम रद्द हो जात हवन और खराब खराब लड़का खराबे में रह के बढ़िया हो जात हवन। बस केवल अपन सोच अलग अलग है। कलश सहना जे माई उ माई एक बेस्या होके हमके अपने रास्ते पर ना चलोलस
बल्कि अपने से दूर रख के हमके पढ़ा लिखा के हमके नर्स बनौलस। और वही माई के देन हो कि हमार बाबूजी, हमार भैया, हमार माई मिल गई। कहानी समाप्त। जो त्रुटि हुई हो कि आप लोग क्षमा करिए, लास्ट में बताओ।